वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा क्लोजर ये प्रॉपर्टीज होती क्या है? बेटा प्रॉपर्टीज बेसिकली हमें इन इंटीजर्स के बारे में कुछ समझाती हैं, इनकी नेचर के बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में कुछ बताती हैं। तो अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये क्या बता रही है इंटीजर्स के बारे में, वो हमें इसमें डिस्कशन करनी है। देखिए इंटीजर्स आपको पहले पता होने चाहिए। बेटा इस वीडियो में क्या करवाने वाला हूँ, पहले आपको चारों ऑपरेशंस के अंदर ये प्रॉपर्टी करवाऊंगा। उसके बाद बेटा इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपकी बुक में भी किस तरह के क्वेश्चन है, वो भी आपको करवाऊंगा। ठीक है? देखिए बेटा इंटीजर्स आपको पता है माइनस वाले नंबर भी होते हैं, फिर एक जीरो आता है, फिर प्लस वाले नंबर भी होते हैं। ठीक है? जिन नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है फिर जीरो, जिन नंबर के आगे कुछ नहीं लगा हुआ मीन्स प्लस लगा हुआ है। ठीक है? अब देखिए ऑपरेशन चार होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है? मैंने चार बॉक्सेस इसीलिए ही बनाए हैं। ठीक है? अब देखिए इंटीजर्स एडिशन, ये एक बॉक्स ऐसा है, समझ लो ये एडिशन बॉक्स है। गॉट इट? आपको कोई भी टू इंटीजर्स पिक करने हैं। मान लो एक इंटीजर पिक किया -3 एंड एक पिक किया -4। ठीक है? ये दोनों क्या है? इंटीजर्स है, तभी तो इस बॉक्स के अंदर है। ये बॉक्स इंटीजर्स का बॉक्स है, इसलिए मैंने टू इंटीजर्स लिए। देख लो माइनस का नंबर और एक प्लस, दोनों ही माइनस के लिए, क्योंकि बच्चों को माइनस में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। अब इनको हमें करना क्या है? ऐड करना है। ऐड करके करना क्या है? दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है? दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दो। अब इनको ओपन करो ब्रैकेट को, -3 प्लस माइनस, मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी नंबर के पास डबल साइन नहीं होना चाहिए। कैसे साइन रिमूव होता है? एक साइन कैसे रहेगा? प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 4। ये रूल्स पता होने चाहिए आपको, मैं लिख देता हूं। प्लस माइनस हो तो अगर आप इफेक्टिव साइन माइनस रहेगा, माइनस प्लस हो तो भी माइनस रहेगा, अगर दोनों माइनस हो तो प्लस रहेगा और प्लस प्लस हो तो भी प्लस रहेगा। गॉट इट? तो ये आपको याद रखने हैं, ये मैं समझा भी चुका हूं आपको। आइए देखिए अब इन दोनों को प्लस करना है हमारे को, कैसे करना है? ठीक है? इन दोनों के साइन देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है ना, इन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 4 7 हो गया। साइन बड़े वाले नंबर का, बड़े वाले नंबर के आगे माइनस साइन है, -7। ठीक है? अगर आपको ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं करनी आती तो बेटा मेरी डिस्क्रिप्शन में ना एक इंटीजर्स पे एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने ये सब सिखाया हुआ है, बड़े बड़े क्वेश्चन लेके सर तरीके से समझाया है। आप एक बार उस वीडियो को देख लो तो ये आपको ये जो मैंने करवाया है अगर इसमें दिक्कत है तो नहीं आएगी उसके बाद। ठीक है? अब आप ये देखिए जो हमारा आंसर आया, ये भी तो एक इंटीजर है, यानी हमने टू इंटीजर शुरू में लिए वो भी इंटीजर से, जो हमारा आंसर आया वो भी इंटीजर है, यानी जब भी हम दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिलता है। ये इस बात को हम कहेंगे इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड। क्लोज्ड है ना, देखो कहां निकल पे आया, ये बॉक्स से बाहर थोड़ी ना जा पाया, इंटीजर के अंदर ही है। क्लोज्ड अंडर कौन से हाउस के अंदर, कौन से बॉक्स के अंदर? एडिशन। ये लिखने का तरीका होता है, यानी इसका मतलब हमने ऐड करके देखा था इंटीजर्स को, इंटीजर बाहर नहीं निकल पाए, मींस उनका आंसर भी एक इंटीजर आ रहा है। सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं, मान लो -5 एंड -2 सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में माइनस लगा लो, दोनों पे ब्रैकेट लगा लो। गॉट इट? अब -5, अब ब्रैकेट वही चेंज, पहले एक सिंगल साइन करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 2। गॉट इट? अब इनको कैसे करें, साइन तो ठीक हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 को तो पहले माइनस करो, 3 हो गया, साइन बड़े वाले नंबर का। ये इन चीज स्टेप्स होते हैं हर एक चीज के। अब ये भी आंसर क्या आया, ये भी इंटीजर आया, यानी ये भी इसी, ये देखो हमने स्टार्टिंग में ये इंटीजर लिया, ये इंटीजर, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इनका डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर क्या आया, वो भी एक इंटीजर आया। इसका मतलब इसमें भी वही बात आ रही है कि इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड। यहां पे भी हम कहेंगे इंटीजर इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को ओके कर रहे हैं, इस बात को लिखते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर जो भी आपने ऑपरेशन लगाया हो, अंडर के बाद वो ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन लगाया ना आपने, तो आप यहां पे लिखेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। गॉट इट? मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं, -3 इंटू मान लो -2, टू इंटीजर्स लिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 टू द 6, माइनस माइनस प्लस, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखते। ठीक
ठीक है, तो आंसर इज 6। ये भी इंटीजर है, मैंने आपको बताया प्लस के नंबर माइनस के नंबर सब इंटीजर, यानी हम जब दो इंटीजर्स को लेके मल्टीप्लाई भी करें तब भी आंसर इंटीजर ही आया है। तो यानी इंटीजर अब यहां पे भी क्लोज्ड है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया ना इधर, मल्टीप्लीकेशन, गॉट इट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं डिवीजन, इसका बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। हर बार आपको ऐसे ही देखो -3 / -2 मान लो आपने ये किया, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हो, ऐसे लिख लेते हो, पहले तो बच्चों को आदत होती है ऐसे लिखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे 1.5 मिलेगा, ठीक है। अब बताओ पॉइंट वाले नंबर क्या इंटीजर होते हैं, मैंने अब बोला आपको कि भाई देखो 1 के बाद तो सीधा 2 है, पॉइंट वाले नंबर्स कहाँ है यहाँ, तो पॉइंट वाले नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होते, तो इसका मतलब हम कहेंगे इधर रिजेक्शन हो गया। ये भी ओके है, क्लोज्ड है, इसमें भी क्लोज्ड है, इसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो हम लिखेंगे इंटीजर्स जो है आर नॉट क्लोज्ड, कौन से ऑपरेशन में क्लोज नहीं है, अंडर डिवीजन। तो बेटा बस डिवीजन के अंदर क्लोज नहीं होते, बाकी सब में ये क्लोज्ड होते हैं। यानी ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स वी गेट एन इंटीजर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स वी गेट एन इंटीजर, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स वी श्योरली गेट एन इंटीजर, बट व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स वी मे नॉट हैव द आंसर एज इंटीजर, ओके। तो इसलिए हम इसमें लिखा नॉट क्लोज, बाकी सब में लिखा क्लोज। और बेटा इसके 2-3 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से उन्हें फिनिश कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन अब हम सोल्व करेंगे। बेटा इससे पहले मैं बोल दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लो, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होकर रेगुलर स्टडीज करना चाहते हो, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर किया करो, मुझे एक्टिविटीज आपकी पता चलनी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो अगर टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो। आइए बेटा, इंटीजर्स आर, अब ये क्वेश्चन है, ये पहला ट्रू फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। इंटीजर क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीजन में, अभी तो हमने किया कि प्लस में आंसर हमारा इंटीजर आ रहा था, माइनस में भी इंटीजर आ रहा था, मल्टीप्लाई में भी इंटीजर आ रहा था, ओके है, लेकिन डिवीजन में हमारा आंसर इंटीजर नहीं आ रहा था, यानी क्लोज्ड नहीं होते डिवीजन में। बस आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है, गॉट इट। तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। प्रॉपर्टी यूज्ड, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना, माइनस करना, टू इंटीजर्स का जब हम माइनस करते हैं एक इंटीजर आता है, करेक्ट है, माइनस में हमारा यही आ रहा था ना कि जब हम माइनस करते थे तो इंटीजर ही आता था, ठीक है। तो यानी ये अब, लेकिन वो ये ट्रू फॉल्स नहीं है, वो बोल रहे प्रॉपर्टी बताओ, तो प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं वही, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, यही लिखा था ना हमने, वहां पे क्या लिखा था, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यही लिखा था ना, सब्ट्रैक्शन वाला है ना, ये डिफरेंस है ना बेटा, तो यहाँ पे अंडर सब्ट्रैक्शन, अगर यहां बोलते सम तो हम अंडर एडिशन लिख देते, वो तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई, अभी इधर मल्टीप्लाई वाला आ गया, लगा लिया करो साइन अगर दिक्कत हो तो, वन इंटीजर बाय अनदर, वो कह रहे हैं अगर एक इंटीजर को हम दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं हमें इंटीजर ही मिलता है, वो आपसे नहीं पूछ रहे क्या मिलता है क्या नहीं, वो बस बता रहे हैं हाँ मिलता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी बतानी है, तो यही प्रॉपर्टी है, लेकिन अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। कुछ नहीं है प्रॉपर्टीज ना, कुछ ना कुछ एक नोटिस करने वाली कोई चीज को बताती हैं, हमने नोटिस किया कि भाई मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर ही आता है, और ये इसी बात को क्लोजर प्रॉपर्टी यानी क्लोज्ड कहते हैं। अब एक फिलअप की फॉर्म में आ सकता है, देखो इन्होंने दो नंबर मल्टीप्लाई किए और आंसर तीसरा नंबर आया, ठीक है, जैसे 2 × 3 आप करो 6 आया, कोई बात नहीं, उन्होंने ए बी ले लिया, कंफ्यूज करने के लिए करते हैं वो ताकि बच्चा डर जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, ए एंड बी आर इंटीजर, यानी ये जो दो नंबर हमने यूज किए इंटीजर हैं, जैसे मैंने इधर 2, 3 यूज किए हैं, वो कह रहे हैं जो सी आएगा, जो आपका आंसर आएगा, जैसे मेरा आंसर आया 6, इनका आंसर सी आया, तो ये भी तो एक इंटीजर है, तो उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे सी इज एन इंटीजर, सी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये कैसे पता चला आपको, आपने अभी की तो है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी में आपने देखा था ना कि आ रहा आंसर इंटीजर ही आ रहा था। तो बेटा दिस वाज द टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा,
लेकिन आपको हर एक कंटेंट की कमांड होनी चाहिए अगर आगे भी कॉन्टिन्यूस आप मैथ्स को अच्छा रखना चाहते हो तो। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग वेरी हार्ड, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं हो सकता। ठीक है,